वही कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे का जो पूरा मामला था वो पहुंच गया हाईकोर्ट, पहुंचाया है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा है कि इस्तीफा जब दिया तो इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हुआ। इसको चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं राजेंद्र राठौड़। आपको बता दें कि अधिवक्ता हेमंत नाहटा के साथ जो है वो पहुंचे और याचिका दायर की। याचिका में गुहार की गई कि विधानसभा स्पीकर इन विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय। याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर दिए गए इस्तीफे को लेकर निर्णय करने का आग्रह किया। इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। याचिका में कहा गया कि विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता तो स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तमाम आर्टिकल्स का हवाला दिया जा रहा है। याचिका में सवाल उठाया गया कि 65 दिन बाद भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किए गए, जब इस्तीफे दिए तो मंत्री कैबिनेट की बैठकों में कैसे जा रहे हैं तमाम विधायक। ये बातें यहाँ पर कही गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राठौड़ पहुंचे हाईकोर्ट, चैलेंज किया है इस फैसले को, कहा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष को खुद से अपने मर्जी से तमाम विधायक इस्तीफा देते तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन इस्तीफों को। 91 विधायकों की संख्या बताई गई 25 सितंबर के उस घटनाक्रम के बाद। आज राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, नैतिकता के आधार पर उनसे किसी ने जबरन त्याग पत्र लिया नहीं, वो किस हैसियत से मंत्रिपरिषद की बैठक में जा रहे हैं। यक्स पर्सन ये भी है कि अगर 91 सदस्यों का त्याग पत्र है तो क्या ये सरकार बहुमत में है। इन सारी बातों से व्यथित होकर आज मैंने संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में डाली है। मैं इस PIL के अंदर स्वयं इसकी पैरवी करूंगा और मैं कोशिश करूंगा न्याय का दरवाज़ा खटखटाकर कि इस मामले के अंदर माननीय अध्यक्ष को निर्देश करें कि जो त्याग पत्र उनके पास लंबित है उन त्याग पत्र को वो स्वीकार करें। जब MLA खुद उपस्थित होकर दे रहे हैं तो किसी बाह्य परिस्थिति के कारण इस्तीफा दिया गया हो, दबाव में दिया गया हो, ऐसी कोई स्थिति उस समय उपस्थित नहीं थी। इस्तीफे उसी समय स्वीकार हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज करीबन 65 दिन पूरे हो चुके हैं, इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में श्री राजेंद्र राठौड़ ने ये जनहित में ये याचिका पेश की है, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी उनके पास शेष नहीं बची थी। उन्होंने 4 प्रतिवेदन दिए, स्वयं स्पीकर साहब से मुलाकात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इससे व्यथित होकर उन्होंने जनहित याचिका पेश की है। राज्य सरकार, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।